हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फाइजा। आज हम श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियां के बारे में स्टडी करेंगे, यानी कि रेस्पिरेटरी जो डिसऑर्डर्स है या रेस्पिरेटरी जो डिजीजेस है, कि हमारे जो माउथ से लेके थ्रोट से लेके लंग्स तक जाती है, उसके फेस में, उसके जो पाथवे है, उसमें कौन कौन से डिजीज आते हैं, कि कौन कौन से जो बीमारियां हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करेगी। द फर्स्ट वन इज फेरेंजाइटिस, सेकंड लेरिंजाइटिस, थर्ड न्यूमोनिया, फोर्थ अस्थमा, फिफ्थ ब्रोंकियेक्टिसिस, देन सिक्स ब्रोंकियेटाइटिस, देन सेवन एम्फिजेमा, एट न्यूमोथेरेक्स, नाइन प्लूरेसी एंड 10 ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि टीबी। ये जो 10 डिसऑर्डर्स है, 10 डिजीजेस है, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट वन इज फेरेंजाइटिस। फेरेंजाइटिस में क्या होगा कि ये जो फेरेंजाइटिस है वो हमारे जो थ्रोट है उसमें इन्फेक्शन होगा। अगर यहाँ पे हम देखें, ये जो टॉन्सिल्स का पूरा पोर्शन है वो उसमें रेडनेस आ गया है। द फेरेंजाइटिस इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर द ओरोफेरिंक्स। ओरोफेरिंक्स यानी कि हमारी जो ओरल कैविटी है उसके पीछे के साइड ये जो टॉन्सिल्स और थ्रोट का पार्ट है उसे हम ओरोफेरिंक्स कहते हैं, कि यहाँ का ये जो पूरा पोर्शन है उसमें रेडनेस और स्वेलिंग हो गई है। इट कॉज बाय एन इन्फेक्शन, आइदर बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। ये अब कैसे होगा, फेरेंजाइटिस जो इन्फेक्शन है वो कैसे होगा, हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन होता है तब हमें फेरेंजाइटिस जो कि होता है। कौन कौन से कॉमन डिजीजेस है जो इसमें इसको कॉज करेगी, लाइक एलर्जी, ट्रॉमा, कैंसर, एसिड रिफ्लक्स एंड सर्टेन टॉक्सिन्स जो मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग, उस कंडीशन में हमें ये जो फेरेंजाइटिस जो डिजीज है वो होता है। सेकंड इज लेरिंजाइटिस। लेरिंजाइटिस यानी कि इट इज़ अ इन्फ्लेमेशन ऑफ योर वॉइस बॉक्स। हमारा जो वोकल कॉर्ड है, यहाँ पे हमारा वोकल कॉर्ड में वॉइस बॉक्स होता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा, यानी कि ओवर यूज और इरिटेशन और इन्फेक्शन, या फिर हम जब हमारा जो वॉइस बॉक्स है उसका ओवर यूज होता है या हमारे वॉइस बॉक्स में इरिटेशन होता है या तो कोई इन्फेक्शन होता है, तब हमें लैरिंजाइटिस जो है वो डिजीज होता है। इनसाइड द लैरिंग्स ऑफ योर वोकल कॉर्ड। ओके, अब हमारा जो वोकल कॉर्ड है उसके इनसाइड के पोजिशन में होता है। ये जो वोकल कॉर्ड है वो टू फोल्ड्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन कवरिंग विथ मसल्स एंड कार्टिलेज। अगर यहाँ पे हम देखें कि ये जो वोकल कॉर्ड है वो वी शेप में है और यहाँ पे टू फोल्ड से विथ म्यूकस मेम्ब्रेन। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये हेल्दी वोकल कॉर्ड है और ये इन्फ्लेम वोकल कॉर्ड। ये जो इन्फ्लेम वोकल कॉर्ड है यहाँ पे हमें रेडनेस दिख रही है, स्वेलिंग दिख रहा है ना। देन कॉमन कॉजेस इंक्लूड वायरल इन्फेक्शन। अगर हमें वायरल इन्फेक्शन होगा या फिर हमारा जो वॉइस है उसका ओवर यूज होगा, एसिड रिफ्लक्स होगा, स्मोकिंग जो कंडीशन है, स्मोकिंग अगर हम कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारा जो लैरिंजाइटिस का जो पार्ट है उसमें इरिटेशन होगी और एलर्जी होगी, तब हमें ये लैरिंजाइटिस डिजीज होता है। नाउ थर्ड इज न्यूमोनिया। न्यूमोनियल कंडीशन में क्या होगा, इट इज अ इन्फेक्शन दैट इनफ्लेम एयर सैक इन वन और बोथ लंग्स। हमारे जो लंग्स है, लंग्स में जो एयर सैक्स है अल्वियोलर्स में, उसमें इन्फेक्शन होता है। इट मेक इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ। ओके, जब हम ब्रीथिंग कर रहे हैं तो ब्रीथिंग के दरमियान डिफिकल्टी होगी, उसके साथ साथ फीवर होगा, कफ होगा विथ येलो ग्रीन और ब्लडी म्यूकस। ये जो म्यूकस है वो हम जो स्प्लिट आउट कर रहे हैं म्यूकस का, उसमें कलर चेंजेस दिखेंगे हमें। द एयर सैक्स विल फील विथ फ्लूइड। अगर यहाँ पे हम देखें तो नॉर्मल जो एल्वेओलर्स है यहाँ पे उसमें कोई फ्लूइड नहीं है, यहाँ पे हमें येलो कलर का फ्लूइड दिख रहा है, कॉजिंग कथ विथ फेलगम, पस, फीवर, चिल्स और डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ये जो सारे सिम्टम्स है वो हमें न्यूमोनियल कंडीशन में दिखने लगेंगे। वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, वायरस, फंगी कैन बी कॉज न्यूमोनिया। अगर हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, वायरल है, फंगस इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस कंडीशन में न्यूमोनिया का इन्फेक्शन हमें होगा। नाउ अस्थमा।
अस्थमा में क्या होता है, इट इज अ क्रोनिक लंग डिजीज अफेक्टिंग पीपल ऑफ ऑल एज, कोई भी एज में हमें अस्थमा हो सकता है। इट इज कॉज बाय इन्फ्लेमेशन एंड मसल टाइटिंग अराउंड द एयरवेज। हमारे जो एयरवेज है, यानी कि ये जो एयरवेज है ये नॉर्मल है, ये उसके मसल्स है, तो ये जो मसल्स है वो कैसे हो जाते हैं, टाइट मसल्स हो जाते हैं। उसके अकॉर्डिंग ये जो एयरवे की जो ओपनिंग है वो नॉर्मल है, अगर मसल्स टाइट हो गए तो ये जो ओपनिंग है वो उसकी नैरो विंडो हो गए, नैरो विंडो होने से हमें प्रॉपर ब्रीथिंग नहीं आएगी, तो डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। कौन कौन से सिम्टम्स है जो अस्थमा को रिलेट करती है, कफिंग, वीजिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड चेस्ट टाइटनेस। चेस्ट टाइटनेस हमें फील होता है, शॉर्टनेस, ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होती है अस्थमा की कंडीशन में। नाउ ब्रोंकियोक्टाइटिस, इस कंडीशन में क्या होगा कि लॉन्ग टर्म कंडीशन वेयर द एयरवेज ऑफ लंग्स बिकम वाइडेन, लीडिंग टू बिल्ड अप ऑफ एक्सेस म्यूकस दैट कैन मेक द लंग्स मोर वल्नरेबल टू इन्फेक्शंस। ओके, अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारी जो एयरवेज है यहाँ पे नॉर्मल म्यूकस अवेलेबल है एंड नॉर्मल से लिया है, तो यहाँ पे होगा क्या होगा कि ये जो पाइप है हमारी, जो ये जो लंग्स की एयर बेस है ये वाइडर हो जाएगी नॉर्मल कंडीशंस। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये इसका जो डायमीटर है वो वाइडर हो गया है, जो सिलिया है, जो सिलिएटेड टिश्यूज है वो कम्प्लीटली डैमेज हो चुके हैं, एंड जो म्यूकस जो अगर जमा हो रहा है, जमा हो रहा था, वो नॉर्मल कंडीशन में भी अवेलेबल है, लेकिन ये जो म्यूकस है वो ब्रोंकियोक्टाइटिस में क्या होगा कि एक्सेस म्यूकस रिलीज करेगा, उस कंडीशन में हमें ये डिजीज होगा। देन ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस में क्या होगा कि दैट कंडीशन डेवलप व्हेन द एयरवेज ऑफ लंग्स कॉल्ड ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स। कब होगा कि ब्रोंकियल जो ट्यूब्यूल्स है उसमें अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो हमें ब्रोंकाइटिस होगा। ये जो नॉर्मल लंग्स की एयरवेज है, इन यहाँ पे एयरवेज में म्यूकस हमें दिखने लगेगा इन्फ्लेमेशन के साथ। ब्रोंकाइटिस कैन बी एक्यूट, यानी कि शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म यानी कि क्रोनिक कंडीशंस भी हो सकती है। नाउ इम्फिजेमा, इम्फिजेमा में क्या होगा कि हमारे जो अल्वियोलर की एयर सैक्स है उसमें इन्फेक्शंस होगा। इम्फिजेमा इज द वन ऑफ द डिजीज दैट कंप्राइज सीओपीडी, सीओपीडी यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, हमारे जो पल्मोनरी एयर सैक्स है उसमें डिजीज होगा। एम्फिजेमा डेवलप ओवर द टाइम एंड इन्वॉल्व ग्रेजुअल डेमेज ऑफ लंग टिश्यूज, जो हमारी जो लंग टिश्यूज है उसमें ग्रेजुअली डेमेज होना स्टार्ट होगा, स्पेशली जो हमारी एल्वियोलर्स है, एयर सैक्स है, वो डैमेज हो जाएगी। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये जो एयरवेज है, एयर सैक्स है, वो नॉर्मल्स है, अल्वियोलर की ये जो राउंड राउंड दिख रही है वो नॉर्मल कंडीशंस में है। अगर यहाँ पे हम देखें इन्फेक्शन में क्या होगा, ये जो एयरवेज दिख रही है वो कम्प्लीटली ब्रोकन होके एक लार्ज स्पेस कवर कर लेगी एम्फिजेमा में। देन ग्रेजुअली दिस डेमेज कॉज एयर एयर सैक्स रप्चर्ड एंड क्रिएट वन बिग एयर पॉकेट इन इंस्टेड ऑफ मेनी स्मॉल वंस। ठीक है ना, अगर यहाँ पे हमने देखा कि स्मॉल स्मॉल जो एयर पॉकेट्स है वो रप्चर होके, वो डैमेज होके एक बिग पॉकेट बन गया जिसे हम इम्फिजेमा कहते हैं। देन अगर रिडक्शन इन द लंग सरफेस एरिया, लंग्स का जो सरफेस एरिया है उसमें वो कम होता है, तो ट्रैप इन द एयर डैमेज टिश्यू, जो एयर डैमेज टिश्यू है उसे उसमें भी रप्चर्स होगा। देन प्रिवेंट ऑक्सीजन मूविंग फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम, वो उस कंडीशन में भी ब्लड का जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर नहीं मिलेगा। देन ये जो एल्वियोलर्स है, दिस ब्लॉकेज कॉजेस लंग्स टू स्लोली ओवरफिल एंड मेक ब्रीथिंग इंक्रीजिंगली मोर डिफिकल्ट। अब ये मोर डिफिकल्ट क्यों हो रहा है, ये जो एयर सैक्स है, नॉर्मल एयर सैक्स है, ये हमें ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है, जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कंप्लीट करवाता है। अगर ये जो एरिया है, इस एरिया में ये लार्ज सेक हो गया है, तो लार्ज सेक से क्या होगा कि ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होगी, ऑक्सीजन मोर रिलीज करेगा, जो ब्लड स्ट्रीम का जो फ्लो है वो मोर रिलीज करेगा, इसके अकॉर्डिंग हमें डिफिकल्टी होगी ब्रीथिंग में। देन न्यूमोथोरैक्स, न्यूमोथोरैक्स मीन्स कोलैप्स लंग्स, लंग्स का कोलैप्स हो जाना, यानी कि सिंक्रोनाइज ऑफ
लंग्स, अगर यहाँ पे हम देखें तो ये जो हेल्दी लंग है उसका जो शेप है वो नॉर्मल शेप है, और ये जो है वो कोलैप्स हो गया है यहाँ पे. न्यूमोथोरैक्स अगर्स व्हेन एयर लीक्स इनटू द स्पेस. यहाँ पे लंग्स के अकॉर्डिंग, हाँ फिगर के अकॉर्डिंग हम देखें तो लंग्स में से ये जो स्पेस है उसमें एयर लीक्स हो रही है बिटवीन लंग एंड चेस्ट वॉल. दिस बिल्डअप ऑफ एयर पुट द प्रेशर ऑन लंग. अगर हम यहाँ पे हम देखें तो ये जो स्पेस है, ये स्पेस से हमारे लंग्स पे क्या होगा, प्रेशर बना रहेगा. उस प्रेशर से जो लंग्स का एक्सपान हो रहा है वो नॉर्मल नहीं होगा, एंड हम जो ब्रीथ कर रहे हैं उसमें स्लाइटली डिफिकल्टी होगी. देन प्लूरिसी. प्लूरिसी इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ सीट लाइक लेयर्स. हमारा जो प्लूरल लेयर है लंग्स का, जो लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, यहाँ पे नॉर्मल लंग्स का ये जो प्लूरल लेयर है ब्लू कलर का, वो नॉर्मल लेयर है. ये लेयर में क्या, ये जो प्लूरा है वो क्या है कि हमारे लंग्स को प्रोटेक्शन देता है. नाउ इस साइड है इनफ्लेम प्लूरा, अब जो कवर करता है हमारे लंग्स को उसमें ही इन्फेक्शन हो जाता है. तो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स प्लूरिसी इज अ शार्प चेस्ट पेन व्हेन ब्रीथिंग डीपली. अगर हम डीपली ब्रीथिंग कर रहे हैं तो हमें चेस्ट पेन जैसा फील होता है, जो कि इनफ्लेम प्लूरा यानी कि प्लूरिसी में आता है. देन ट्यूबरक्लोसिस. ट्यूबरक्लोसिस में क्या होगा, ट्यूबरक्लोसिस मीन्स टीबी. टीबी इज अ कॉज्ड बाय बैक्टीरियम कॉल्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. ओके, जो टीबी होता है यानी कि लंग्स को जो अफेक्ट करता है वो कौन सा बैक्टीरिया है जो कि टीबी को मेकअप करता है, टीबी को बनाता है, टीबी के जो इन्फेक्शन है उसे ग्रोथ करता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. द टीबी इन्फेक्शन डिजीज दैट मोस्ट ऑफन अफेक्ट्स द लंग्स. ओके, ये जो टीबी है वो किसे अफेक्ट करेगा, हमारे लंग्स को टारगेट करेगा. इट कॉज बाय टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया है. स्प्रेड थ्रू आउट द एयर व्हेन इन्फेक्टेड पीपल कॉफ स्नीज और स्पिट. अब ये जो टीबी है वो उसका ग्रोथ कैसे इंक्रीज होगा, यानी कि अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, हम कफ कर रहे हैं, फीजिंग कर रहे हैं, स्नीजिंग कर रहे हैं, स्प्लिट आउट कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग टीबी का ग्रोथ होता रहेगा और वो स्प्रेड होता रहेगा. टीबी इज अ प्रिवेंटेबल एंड क्योरेबल. ये टीबी है वो प्रिवेंटेबल है एंड क्योरेबल है, मेडिकेशन से वो क्योर हो जाता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर आपको इस टाइप की वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन.